नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज छठ पूजा का चौथे दिन का पूजा समाप्ति शांतिपूर्ण हुआ, जिसमें भगवान भास्कर को आज सुबह का बेला का अर्घ दिया गया। यह पूजा 4 दिनों का लगता है। नहाए खाए खरना प्रथम अर्घ व द्वितीय अर्घ से शुभारंभ होता है। यहाँ प्रशासन की भी चौकसी दिखने को मिली। खगड़िया गुगरी अनुमंडल सहित जिले के सभी क्षेत्रों में यह पूजा छठ पूजा धूमधाम से मनाया गया। आप इसी वीडियो में देख सकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी भी बड़ी मात्रा में यहां पर सुनिश्चित हुई है। महिला अर्घ देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। खास करके मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा बड़ी मात्रा में सहयोग प्रदान की भी जा रही है। यहाँ पर दूध वितरण भी उनके माध्यम से किया जा रहा है। हर साल की भांति इस साल भी मारवाड़ी युवा मंच शाखा खगड़िया के माध्यम से दूध व अगरबत्ती का भी वितरण किया जा रहा है। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि छठ घाटों का जो व्यवस्था है वह नगर पालिका के द्वारा कितनी सुदृढ़ की गई है। आइए जानते हैं। बबीता कोठारी, अरे ये पर्व जो मनाया जाता है किस लिए मनाया जाता है? ये आस्था का पर्व है, सब भाईचारे का पर्व है। इसमें सब मिलते हैं एक दूसरे से, ठकुआ और खाते हैं। इसमें यही है। क्या क्या तैयारी करते हैं छठ में? छठ में ठकुआ बनता है और प्रसाद सब बनाते हैं, यही सब। आज छठ पर्व समापन की ओर है और सभी श्रद्धालु आकर के अपना अपना पूजा अर्चना करते हुए अब घर की ओर लौट रहा है और पूरे घाट जो है शांतिपूर्ण रूप से पर्व को मनाया जा रहा है। घाट पे विधि व्यवस्था की कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। हर जगह जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था पूरी टाइट था और शांतिपूर्ण से संपन्न हो रहा है। किसी प्रकार की कोई बात